हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। हमारे पास आई लेडी, करते हैं लाइट ऑन, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। इंडिकेटर हो गया ऑन, देखिए हमारा बैक पैनल चल रहा है, आगे स्क्रीन ऑन नहीं हो रही। चलो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक एलईडी पहले भी आई थी, उसमें भी ये सेम फॉल्ट था पैनल का, अभी ये एलईडी आई है। चलो लाइट करते हैं ऑफ, इसको करते हैं रिपेयर, उल्टा कर लेते हैं हम इसको, प्लग करते हैं आउट। चलो खोलते हैं अभी से, फोन रख लेता हूँ मैं एक साइड, फिर देखते हैं। तो गाइस ये मेरी पहली वीडियो है, लेकिन आपको इसमें बेहतर सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, इसमें आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि कैसे रिपेयर होती है एलईडी सैमसंग की। ये देखिए हमने बैक कवर ओपन कर लिया है, इसको करते हैं ब्रश से ऑफ। अब देखते हैं इसको, आपको बताते हैं कि कहाँ फॉल्ट आया है। ये देखिए ये हमारे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं 3-4, 7-10, इसमें हम दो पिन पर कट लगाएंगे। ये दिख रहे हैं आपको डॉट जे वाले जी, इस पर हम कट लगाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। हेलो गाइस, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं, ऐसे हम एक कटर ले लेंगे, कटर के साथ एक छोटा सा कट लगाएंगे, बस ये वाला, इससे हमारा पैनल रिपेयर हो चुका है, आधा पैनल रिपेयर हो चुका है, 50% जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये देखिए गाइस, बस इतना सा कट लगाना है, बड़े आराम से आप घर पे ही इसका 1500 ले सकते हैं किसी कस्टमर से। बस गाइस इतना सा कट लगाना और हमारा पैनल सॉल्व हो। दूसरी साइड भी ये ऐसे ही करना है, जो 5 नंबर पे जो पिन है इसको हम कट लगाएंगे। बस इतना सा कट लगाना है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी रिपेयर हो चुकी है। देखिए अब जे देखिए गाइस, बड़े आराम से एलईडी रिपेयर हो चुकी है हमारी। अब आप भी सीख सकते हैं एलईडी रिपेयर करना। जे देखिए गाइस, बड़े आराम से रिपेयर होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं गाइस, बाय।